काटिका है ये सत्य घटना पर आधारित है कि ये जैसे भगवान को हम विग्रह मानते हैं, भगवान विग्रह नहीं है, भगवान के विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत के कारण है। श्री कृष्ण का नाम सच्चिदानंद है, उनका नाम रूप गुण तथा लीला में कोई अंतर नहीं है। सामान्य जन अपनी सीमित भौतिक इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को नहीं समझ सकते हैं, परंतु भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे हर जीव को आध्यात्मिक उन्नति का सु अवसर देते हैं। भगवान कृष्ण हम बद्ध जीवों पर दया करने के उद्देश्य से अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, जिससे हम बद्ध जीव भी उनके दर्शन का लाभ उठा सके। भगवान कृष्ण तथा उनके अर्चा विग्रह में कोई अंतर नहीं है, इस बात को प्रमाणित करने के लिए भगवान विभिन्न लीलाएं करते हैं, जिससे श्रद्धाविहीन लोग भी अंततः भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं। परंतु आजकल लोग अर्चा विग्रह को मूर्ति मानकर अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं। तो हम चलते हैं ऐसी ही एक सत्य घटना की ओर, जहां भगवान साक्षी बनकर गवाही देते हैं। तो चलिए उसी सत्य घटना की ओर, जो घटित हुई है दक्षिण प्रदेश के विद्यानगर गांव में। वहां एक वृद्ध ब्राह्मण वेंकट भट्ट, जो कि संपूर्ण तीर्थ यात्राओं के लिए निकले हैं, वेंकट भट्ट बहुत ही अमीर ब्राह्मण है, अतः वह साथ में एक गरीब ब्राह्मण माधव को साथ में लेकर के तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। उसी तीर्थ यात्रा के दौरान चलते चलते वो वृंदावन में श्री गोपाल जी के मंदिर की तरफ जाते हैं और देखते हैं वहां पर क्या घटित होता है। हरि बोल।
तरह दोनों ब्राह्मण भगवान को प्रणाम करके अपनी यात्रा को समाप्त करके निकलते हैं। और आपने देखा कि किस तरह एक ब्राह्मण देव ने एक तरुण गरीब ब्राह्मण को वचन दिया अपनी पुत्री देने का। आप सोचो आजकल अगर हम ऐसा वचन दे तो क्या होगा उस वचन का। तो वचन तो दे दिया उन्होंने, पर वो अपने घर गए तो देखते हैं घर जाके क्या हुआ, जैसा हमारे साथ होता है। वो अपने घर गए और घर जाके उनकी पुत्र और पत्नी से उन्होंने विचार विमर्श किया। अब देखते हैं पुत्र और पत्नी क्या कहते हैं इस बारे में। तो चलिए चलते हैं वृद्ध ब्राह्मण वेंकट भट्ट के घर की ओर। मैंने तीर्थ यात्रा के दौरान एक तरुण ब्राह्मण को एक अपनी पुत्री देने का वचन दिया है और यह वचन अवश्य ही घटित होगा। अतः मुझे इस वचन के बारे में अपनी पत्नी पुत्री व अन्य संबंधियों को बता देना चाहिए। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। यात्रा के दौरान मैंने एक तरुण ब्राह्मण को अपनी पुत्री दान में देने का वचन दिया है, अतः मैं आप सभी की सहमति चाहता हूँ। क्या हम अपनी बेटी को किसी अज्ञात व्यक्ति के हाथों नहीं दे सकते? अंजान नहीं किए वह तो बहुत ही नेक लड़का है। संपूर्ण तीर्थ यात्रा में उसने मेरी सहायता की है। वह उत्तम वैष्णव है, उत्तम वैष्णव। अरे किसी ने आपकी थोड़ी सेवा क्या कर दी, आपने तो अपनी बेटी की दान दे दी। आपको तो अपनी बेटी की बिल्कुल चिंता नहीं है, ना उच्चकुल ना धन ना शिष्य, किस तरह का वर है ये? आपको तो अपनी बेटी की बिल्कुल चिंता नहीं है। यदि आप अपनी बेटी को उससे विवाह करवा दोगे तो हम अपना रिश्ता ही नहीं तोड़ देंगे। फिर भी आपने ऐसा किया तो मैं जहर लाके अपनी जान ले लूंगी। मां आप ऐसा नहीं कर सकती, आप जाइए, मैं पिताजी को समझाता हूँ। पिताजी ये आपने क्या किया, इतनी बड़ी बात के लिए हमारी राय तक नहीं ली। ए पुत्र, यात्रा के दौरान उस तरुण ब्राह्मण ने निष्ठा भाव से मेरी सेवा की, इसीलिए कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु मैंने उसे यह वचन दिया। वाह, अब यदि मैं वचन नहीं निभाता हूँ तो वह ब्राह्मण गोपाल जी को गवाह के रूप में लाएगा और मेरी कन्या ले जाएगा और मेरा वचन भंग हो जाएगा। मैं विकट समस्या में। हा हा हा, गोपाल जी को लाएगा, अब तनिक भी चिंतित मत होइए पिताश्री। गोपाल जी तो वह तो बहुत दूर देश में है, वो आपके पास दुआएं देने कैसे आ सकता है? आपको सिर्फ यही कहना है जो मैं कहूँ। आप सिर्फ इतना कह देते हैं कि मुझे कुछ स्मरण नहीं, बाकी मैं निपट लूंगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है पिताश्री। अच्छा पिताश्री, मैं चलता हूँ। इस तरह आपने देखा कि वो वृद्ध ब्राह्मण बड़े ही असमंजस में पड़ गया। वचन तो दे दिया उसने, परंतु घर जाने के बाद परिस्थितियां कुछ और ही हुई। पत्नी और पुत्र इतनी बड़ी धमकी देकर के मरने की, जहर खाने की, तो बड़ा ही टेंशन में आ गया पंडित कि भाई क्या करना है। मैं तो वचन दे दिया और गोपाल जी साक्षी है उस वचन के, क्या करूंगा मैं? क्योंकि हम जब बूढ़े अवस्था में होते हैं तो हमारे वचन की बड़ी लाज रखते हैं। हम सबके साथ ही ऐसा होता है कि भाई वचन दे दिया, अब क्या होगा। अब वचन तो दे दिया उन्होंने, परंतु बड़ी टेंशन में है। कुछ दिन बीतने के बाद ब्राह्मण देव बड़ी टेंशन में अपने वचन को याद कर रहे होते हैं। तभी माधव उनके घर की ओर आते हैं। तो देखते हैं अगले सीन में क्या होता है। जी ये कौन है? ये वो
माधव वचन को प्राप्त करने के लिए बोलते हैं ना, जैसे जिसने वचन दिया और जिसने वचन स्वीकार किया है, तो माधव तो उस हेतु ताकि ब्राह्मण देवता से कोई अपराध ना हो, इस हेतु वो अपना वचन पालन करने के लिए आए थे। परंतु घर पहुंच करके उन्होंने देखा भाई यहाँ तो परिस्थिति कुछ और ही है, मैं तो उन्होंने जो वचन दिया था उसको मांगा गया लकड़ी लेकर के बाहर ही भगा दिया गया है। तो जब माधव बाहर निकलते हैं तो संपूर्ण गांव वाले आपको पता है इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कोई विचित्र कोई नया व्यक्ति हमारे घर आता है और जब वो बाहर जाता है गाँव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे ही गाँव के लोग इकट्ठे हुए और पूछा भाई माधव क्या हो गया, कैसे आए, तो क्यों धक्का लेके तुम्हें निकाला। तो उन्होंने फिर बताया उनको इस तरह से पंचायत इकट्ठी हुई न्याय करने के लिए। तो हम देखते हैं कि कैसे पंचायत क्या करती है पंचायत, हालांकि किसी तरह की पंचायत इसका निर्णय नहीं कर सकती, परंतु फिर भी आज गांव में पुराने समय में पंचायत में पंचों की बात को माना जाता था, आज तो हम न्यायपालिका की बात को भी नहीं मानते। तो आगे देखते हैं कि किस तरह और जब पंचायत बैठती है तो आपको पता है एक व्यक्ति को अनाउंसमेंट के लिए भेजा जाता था ताकि वो संपूर्ण गांव को अनाउंस कर ले। ऐसी बात
इन्होंने और फिर इन्होंने गोपाल जी के सामने अपने वचन दोहराए। तब मैंने कहा था कि यदि बाद में ही अपने वचन से पलटे तो मैं आपको साक्षी देने के लिए बुलाऊंगा। अगर गोपाल जी खुद यहाँ तक साक्षी देने के लिए आते हैं तो अपनी बहन में इसको दान में दे दूंगा, क्यों? ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। इस तरह से बाकी सब लोग हंसते हैं, जैसा कि गोपाल जी को लाएगा। अब भाई मतलब बड़ा धर्म संकट में पड़ गया माधव कि भाई लेने तो कुछ और गया था, लेकिन वो तो कह रहे हैं भाई गोपाल जी को ही लेके आना पड़ेगा साक्षी के रूप में। अब आप सोचिए आप और हम उधर क्या करते उस समय, हार मान के घर में क्या करते? बोले रहने दो भाई, करने आपने क्या घर में ही बोले ना, ठीक है। लेकिन माधव बहुत ही सरल स्वभाव का ब्राह्मण था, ठीक है। वो भगवान के विग्रह और भगवान में कोई फर्क नहीं समझता था। एक बात का अवश्य ध्यान रखना कि तुम मुझे पीछे मुड़कर देखने का
यदि तुमने ऐसा किया तो मैं उसी स्थान पर उसी समय उसी स्थान पर स्थिर हो जाऊंगा। किंतु मुझे पता कैसे चलेगा कि आप मेरे पीछे हैं या नहीं? तुम मेरी पायल की धुनी को सुनोगे और मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही चलूंगा और नित्य एक से एक चावल पकाकर मुझे जरूर खिलाना। मैं उस प्रेम पूर्वक अर्पित किए हुए भोग से तृप्त हो जाऊंगा और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहूंगा। इस तरह माधव और भगवान के बीच में डिस्कशन होता है। भगवान माधव को वचन देते हैं साक्षी बनने के लिए, तो देखते हैं किस तरह भगवान साक्षात गोपाल
वो भी वृंदावन धाम से यहाँ। गोपाल जी की जय हो। गोपाल जी की जय हो। गोपाल जी की जय हो। इस तरह सभी गोपाल जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि गोपाल जी इतनी दूर से चलकर दक्षिण प्रदेश की तरफ आए थे। साक्षी गोपाल के दर्शन कर सकते हैं, भगवान साक्षी बनने के लिए।